दोस्तों, दांतों को ब्रश करना एक इंसान के डेली रूटीन में इंक्लूडेड है। इंसान उठते ही सबसे पहले क्या करता है? ब्रश करता है। और दोस्तों, आयुर्वेदा में भी ये बताया गया है और उसके फेमस ग्रंथ अष्टांग हृदय चरक संहिता शिशिर संहिता में भी ये बताया गया है कि दंत मंजन ये कितना इम्पोर्टेंट है। ओरल हाइजीन, दंत मंजन यानी ब्रशिंग द टीथ, कितना इम्पोर्टेंट है। एक इंसान को सबसे पहले उठते ही अपने दांतों को ब्रश करना चाहिए ताकि उसका ओरल यानी उसका माउथ जो है वो हाइजीनिक रहे। इफ़ योर ओरल इज़ हाइजीन देन योर बॉडी इज़ ऑटोमेटिकली हाइजीनिक। और क्योंकि अपने मुँह में बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियाज रहते हैं, गंदे गंदे बैक्टीरियाज रहते हैं, अगर आप बिना टीथ ब्रश करिए खा लेंगे तो वो जो बैड बैक्टीरियाज हैं वो आपके पेट में जाएंगे और पेट में जाएंगे तो फिर बहुत सारी दिक्कतें कॉज करेंगे। तो दोस्तों, आप कौन सा टूथपेस्ट यूज करते हैं? कोलगेट, पेप्सोडेंट, क्लोजअप, दंतकांति या फिर डाबर रेड, कौन से यूज करते हैं मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडियन मार्केट में मिलने वाले सबसे बेस्ट, सबसे घटिया और ठीक ठाक टूथपेस्ट कौन कौन से हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मुझे मोटिवेशन जो चाहिए होता है आपके लिए वीडियोस बनाने के लिए। और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरे जैसे ही मैं वीडियो बनाऊं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए फटाफट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सपर्ट वेलबींग में। दोस्तों, इस वीडियो को मैंने तीन कैटेगरी में बांटा है। अगेन, जैसे ही मैंने दूसरी वीडियोस बनाई हैं, वर्स्ट टू बेस्ट, सबसे फर्स्ट कैटेगरी है सबसे घटिया टूथपेस्ट इंडियन मार्केट में, सेकेंड है सबसे अलग और थर्ड है सबसे बेस्ट। दोस्तों, इस कैटेगरी में सबसे जो फर्स्ट कैटेगरी भी देखने वाले हैं वो है सबसे घटिया टूथपेस्ट। दोस्तों, इसके अंदर जो भी टूथपेस्ट आते हैं वो है कोलगेट, दंतकांति, क्लोजअप, पेप्सिडेंट और इवन एम्बे का जो टूथपेस्ट है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि एम्बे का टूथपेस्ट, हाँ दोस्तों, आपके घर में ज़रूर पहले के टाइम पे, मुझे लगता है इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनती है। मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना एम्बे के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं कि नहीं बनाऊं। दोस्तों, ये जो सारे मैंने टूथपेस्ट बताए हैं, कोलगेट, क्लोजअप, पेप्सिडेंट वगैरह, इनके अंदर भरपूर केमिकल्स हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट केमिकल जो आपको ध्यान रखना है वो है SLS और फ्लूराइड। दोस्तों, जिस टूथपेस्ट में भी आपको SLS और फ्लूराइड मिल जाए, वो पढ़ते ही आपको सबसे पहले टूथपेस्ट को उठाना है और बाहर फेंक देना है, और इवन सुपरमार्केट में जाइए और सब कुछ बाहर फेंक दीजिए। नो, आई एम जस्ट किडिंग। दोस्तों, इसके अलावा इनके अंदर और भी बहुत सारे हार्श केमिकल रहते हैं, वो उनका मैं एक एक करके नहीं बता सकता, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन जाती है। शॉर्ट में मैं आपको बताता हूँ, इसमें कम से कम 17 टॉक्सिक केमिकल्स है जो आपको कैंसर करने के लिए तो काफ़ी है। जब ये आपके ब्लड स्ट्रीम में जाएंगे तो ब्लड कैंसर और आपके स्टोमक में अल्सर्स होना, माउथ में आपके अल्सर्स रेगुलर होना, छाले पड़ जाना। अगर आपके रेगुलर छाले होते हैं मुंह में तो मुझे नहीं लगता आपको हैरान होना चाहिए, क्योंकि इसका कारण ये टूथपेस्ट ही हैं जो केमिकल वाले जो आप यूज़ करते हैं। दोस्तों, अब आते हैं सेकंड कैटेगरी में। दोस्तों, सेकंड कैटेगरी है सबसे अलग, सबसे अनोखी, क्योंकि ये आयुर्वेदा के या फिर नेचुरल टूथपेस्ट के नाम पे आपको बेचते हैं केमिकल और कुछ नहीं। दोस्तों, इन टूथपेस्ट में आता है, सबसे पहले आता है हिमालया स्पार्कलिंग वाइट टूथपेस्ट, इसके अलावा डाबर रेड, आयुष, ये टूथपेस्ट जो हैं दोस्तों बहुत ही एकदम घटिया टूथपेस्ट हैं। क्यों घटिया? इसीलिए क्योंकि सबसे पहले तो क्या नाम डालते हैं? आयुर्वेदा नेचुरल टूथपेस्ट, और बेचते क्या हैं? केमिकल। आयुर्वेदा का नाम क्यों ख़राब कर रहे हैं? फिर लोग सोचते हैं कि यार, हमने तो प्योर नेचुरल टूथपेस्ट यूज़ किया था, हमको दिक्कतें क्यों हो रही हैं, हमको साइड इफ़ेक्ट्स क्यों हो रहे हैं? वो इसी वजह से कि दोस्तों, ये झूठा जो टूथपेस्ट है वो बेचते हैं, नाम आगे नेचुरल डालते हैं लेकिन पीछे सारे केमिकल्स होते हैं। हाँ दोस्तों, इनके अंदर SLS तो नहीं है, यानी सोडियम लॉरेल सल्फेट तो नहीं है, लेकिन इनके अलावा और भी बहुत सारे केमिकल्स हैं, आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस, आर्टिफिशियल कलर्स जो हैं, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स हैं, जो आपको कैंसर पहुंचाने के लिए काफ़ी है। इसके अलावा इनके अंदर फ्लूराइड मिला हुआ है जो कि बहुत ही एकदम घटिया है, और कई सारे डेंटल्स में जानता हूँ, कई सारे डेंटल डॉक्टर्स जो हैं वो रेकमेंड करते हैं कि आपको फ्लूराइड लेना चाहिए, आपके टूथपेस्ट में फ्लूराइड होना चाहिए ताकि आपको टूथ डीके ना हो। लेकिन दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं 2.5 ग्राम्स ऑफ फ्लूराइड अगर आपके ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है तो वो एक इंसान को मारने के लिए काफ़ी है, मोर देन एनफ है। तो दोस्तों, क्या ये फ्लूराइड होना चाहिए टूथपेस्ट में? मुझे नहीं लगता। दोस्तों, चलिए देखते हैं थर्ड कैटेगरी, वो है बेस्ट कैटेगरी, सबसे बेस्ट कैटेगरी। इसमें मैं सबसे पहली चीज़ जो इंक्लूड करूँगा, जो मैं रिकमेंड करता हूँ, वो है टूथ पाउडर।
टूथ पाउडर इसलिए दोस्तों क्योंकि टूथ पाउडर आयुर्वेदा का प्योर हर जगह मिल जाता है। दोस्तों अभी आप शॉक मत होना क्योंकि कोलगेट का भी टूथ पाउडर आता है। अब आप लोग पूछेंगे कि क्या हम कोलगेट का टूथ पाउडर यूज़ कर सकते हैं? नहीं दोस्तों, क्योंकि कोलगेट के टूथ पाउडर में सिर्फ नाम का वो टूथ पाउडर, उसके अंदर SLS फ्लूराइड जैसे केमिकल भरपूर प्रेजेंट है और भी बहुत सारे टॉक्सिक केमिकल्स हैं जो मैं आपको बता के बोर नहीं करना चाहता। अगेन ये मैं फर्स्ट कैटेगरी में तो नहीं डालूंगा, जीरो कैटेगरी में डालूंगा जो कि सबसे घटिया है, घटिया से भी घटिया। तो दोस्तों टूथ पाउडर में मैं आपको रेकमेंड करूंगा, एक तो वीको का आता है वो टूथ पाउडर, और इसके अलावा पतंजलि दिव्य मंजन बेस्ट, एकदम बहुत ही अच्छा टूथ पाउडर है। मैं खुद पतंजलि दिव्य मंजन ही यूज़ करता हूँ और मैं भी आपको यही रेकमेंड करूँगा, बहुत ही अच्छा टूथ पाउडर पतंजलि ने निकाला है। ऐसा नहीं है कि पतंजलि के सारे प्रोडक्ट्स घटिया हैं। दोस्तों इसके अलावा इस कैटेगरी के अंदर अगर मैं टूथपेस्ट की बात करूँ तो सबसे पहला टूथपेस्ट दोस्तों आता है बायोटिक का एडवांस्ड आयुर्वेदा टूथपेस्ट। अब दोस्तों मैं शॉक्ड इसलिए हूँ क्योंकि बायोटिक के बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो केमिकल के भी आते हैं। अब अगर आपको प्योर बेचना है तो क्यों एडवांस आयुर्वेदा डाल रहे हो? जो केमिकल वाले हैं उसमें आयुर्वेदा का नाम डालो ही मत, और जो रियल में आयुर्वेदिक टूथपेस्ट है उस पर आयुर्वेदिक का नाम डाल दो, सिंपल एज दैट। और दोस्तों आप शौक मत होना इसको, फिर मुझे कमेंट सेक्शन में पूछेंगे कि आप बायोटिक का आप इंग्रेडिएंट देखेंगे, आप उसको रीड करेंगे, आप उसको कैलकुलेट करेंगे तो उसके अंदर निकलेंगे सिर्फ 64.28% जो है इंग्रेडिएंट बताए गए हैं, उसके अलावा बाकी का जो है वो प्यूरिफाइड वाटर QS में है। प्यूरिफाइड वाटर यानी पानी है, कुछ नहीं है। जो एक्सीपिएंट्स जो लोग बताते हैं कि जो अगर किसी को छुपाना होता है कोई भी इंग्रेडिएंट, फेस वॉश में हो गया, टूथपेस्ट में हो गया, फिर शैम्पू में हो गया, तो वो या तो जेल बेस में डालेंगे या फिर वो एक्सीपिएंट्स में डालेंगे, लेकिन बायोटिक ऐसा नहीं कर रहा। 64.28 जो परसेंटेज जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो बता रखे हैं, उसके अलावा बाकी लगभग 40% क्या है, प्यूरिफाइड वाटर कुछ नहीं है, पानी है। तो दोस्तों इसके अंदर मैंने जितने भी अभी दो टूथ पाउडर, एक तो पतंजलि दिव्य मंचन, एक वीको वज्रदंती और बायोटिक का एडवांस्ड आयुर्वेदा टूथपेस्ट, बेस्ट है, आप यूज़ करिए। अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो अभी भी तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक एक थम्स अप ज़रूर दीजिएगा, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए क्योंकि मुझे चाहिए मोटिवेशन आपके लिए नए नए वीडियोज़ बनाने के लिए। और कोलगेट लाल है उसको आप खरीद रहे हैं तो नीचे सब्सक्राइब बटन भी लाल है उसे भी प्लीज़ दबा दीजिए, मुझे बहुत मोटिवेशन चाहिए आपके लिए। और आज के लिए इतने, तब तक के लिए स्टे फिट स्टे हेल्दी स्टे ट्यून, नमस्कार।